सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। मेरे चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए ये डॉल पैटर्न लेकर आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये पैटर्न देखिए बेबी के स्वेटर के लिए काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए इस तरह से दिखता है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और आप यदि एक बार ट्राई करेंगे तो बनाना उतना मुश्किल नहीं है। एक बार आप कुछ फंदे लें और मेरे ही साथ साथ बनाना स्टार्ट करें। इसमें मैंने 31 फंदे लेकर स्टार्ट की हूँ, आप भी 31 फंदे लें और स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ठीक से समझने के लिए मैं इसे आपको चार पार्ट काउंट करके बताऊंगी। इसे मैं एक पार्ट पहला पार्ट लूँगी, इसे दूसरा पार्ट बताऊँगी, ये तीसरा और ये चौथा, इस तरह से मानकर चलना है ताकि हम समझ सकें। तो आप पहले पार्ट को हम पहले बनाते हैं। तो पहले पार्ट को देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। ये पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे की हम उल्टा बुनाई करेंगे इस तरह से, देखिए दूसरे फंदे की हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर तीसरे फंदे को फिर एक फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर दूसरा फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा बुनाई करना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा बुनाई करना है। इस तरह से देखिए एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा बुनाई करना है, इस तरह से स्लिप करना है, एक फंदा बुनाई करना है। इस तरह से हम पहली रो को हम पूरा करते हैं, उल्टा बुनाई करते हुए पूरा करेंगे। दूसरी रो हम उल्टा बुनाई करते हुए पूरा करेंगे, इसमें कोई फंदा स्लिप नहीं करना है। सारे फंदे को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनाई करना है। रो में देखिए कैसे करना है। फर्स्ट फंदे को, पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, और जब हम पहली सिलाई बुनाई किए थे तो दूसरी फंदे की हम बुनाई कर चुके थे, तो इस बार हम इस फंदे को भी स्लिप कर लेंगे। पहले हमें धागा आगे कर लेना है, ये फंदे को स्लिप कर लेंगे। जो फंदे की हमने बुनाई नहीं की थी उसे बुनाई करना है, और जो फंदे की हमने बुनाई की थी उसे स्लिप कर लेना है। इस तरह से हमें देखिए इस तरह से फिर यहाँ पर बुनाई करेंगे, स्लिप करना है, फिर एक उल्टा बुनना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है। इस तरह करते हुए हम तीसरी रो को पूरा करेंगे, चौथी रो हम उल्टा बुनाई करते हुए पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये पार्ट चार रो की थी, ये मैं बना चुकी हूँ यहाँ पर देखिए। अब हम इस पार्ट को बनाएंगे। ये पार्ट हम बनाने के लिए हमें 12 रो बनाना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट में ये चार फंदे हमारे सीधे हैं, एक्स्ट्रा हैं, इसे चार फंदे हम सीधा बुनाई कर लेंगे। ये दो फंदे हमारे धागा आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा आगे ही रहने देंगे और एक फंदा इस तरह से हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदा सॉरी एक फंदा सीधा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, दो उल्टा फिर एक सीधा। धागा आगे दो उल्टा फिर एक सीधा, धागा आगे दो उल्टा और फिर एक सीधा।
इस तरह से हमारे देखिए ये सीधे वाले सात लाइन है दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये इसमें 7 हो गए। अब देख पा रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है बट एक सिलाई और बुनाई होगी तो समझ में आ जाएगा। धागा आगे करेंगे इस तरह से, यहाँ पर एक जाली देना है, इस तरह से लपेटेंगे और यहाँ पर दो फंदा उल्टा बुन लेंगे और ये 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, इसे हम सीधा बुनते हुए पूरा कर रहे हैं। फिर हम रो नंबर 2 में आते हैं, दूसरे पार्ट के रो नंबर 2 हैं। फिर ये देखिए 4 फंदे हमने सीधा बुने थे, इसे हम 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर हमारे 2 फंदे उल्टे हैं और फिर एक जाली वाले फंदे भी हमारे उल्टे बुना गए हैं, देखिए इस तरह से। चार फंदे हमारे उल्टे बुनाए, धागा पीछे किए और 3 फंदा हमारा सीधा होगा। धागा आगे करेंगे, ये बीच के जो हमारे 19 फंदे हैं इसे उल्टा ही पूरा बुन लेना है, सीधे के जगह पर भी और उल्टे के जगह पर भी हमें उल्टा ही बुनाई कर लेना है। ये हमारे जाली, ये 4 फंदे हमारे लास्ट के जो हैं ये सीधे हैं राइट साइड से, तो इधर हम उल्टा बुनाई करेंगे और इधर से हम ये हमारे 4 फंदे सीधे होंगे, 3 फंदे सीधे होंगे, एक जाली वाले और 2 उल्टा जो राइट साइड से बुनाए उसे हम 3 फंदा, इधर से हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे, सॉरी सीधा बुनाई करेंगे और ये हमारे 4 फंदे उल्टा। रो नंबर 3 में आते हैं, रो नंबर 3 में देखिए ये 2 फंदा 4 फंदा हमारा सीधा है स्टार्ट में, इसे हम हर वक्त सीधा ही बुनाई करते रहेंगे, राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। धागा आगे करेंगे और ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे हमारे तो उल्टा है ही, ये जाली वाले फंदे को भी हमने उल्टा बुनाई किया है, वापस हमें यहाँ पर एक जाली बनाना है, धागा इसलिए यहीं पर हमने देना है और ये सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर फिर 2 फंदे हमारे उल्टे होंगे, धागा पीछे 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा 1 फंदा सीधा फिर 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। फिर 2 फंदा उल्टा 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा। और 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। फिर हमें यहाँ पर एक लास्ट में इधर से भी हमारी जाली बन रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी हमारी एक जाली बनेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से एक बार धागे को इस तरह से लपेट लेंगे और फिर हम उल्टा बुनाई करेंगे, 1 2 3 3 फंदे हमारे उल्टे बुनाए हुए, ये 4 फंदे हमारे सीधे के हैं, इसे सीधा बुनाई करें। अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे हो गए, 2 से 3 और 3 से 4, इस तरह से हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ते रहेंगे। अभी फिर रो नंबर 4 में आते हैं, रो नंबर 4 हमारे रॉन्ग साइड आते हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें वैसे ही बुनाई करना है, बस ये वाले जो हमारे 19 फंदे बीच के हैं उसे उल्टा ही बुनाई करना है, सीधे में भी हमें उल्टा ही बुनाई करना है।
ये चार फंदा हमारा उल्टा होगा, फिर यहाँ पर चार फंदा हमारा सीधा होगा। ये जाली वाले फंदे को भी हम सीधे में लेंगे, धागा के करेंगे, और ये 19 फंदे को हम उल्टा बुनाई करेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये हमारे चार फंदे सीधे होंगे, धागा आगे करेंगे, ये हमारे लास्ट के चार फंदे उल्टे होंगे। रो नंबर 5 में आते हैं। रो नंबर 5 में हम ये स्टार्ट के चार फंदे हमारे सीधे हैं, धागा आगे करेंगे, पहले हम चार फंदा उल्टा बुनाई कर लेते हैं। पहले से हमारे चार फंदा उल्टा है, ये धागा आगे ही रहने देंगे, फिर यहाँ पर एक जाली बनेगा, इसलिए हम सीधा, ये फंदे हमारे सीधे वाले दिख रहे हैं, ये हम सीधा ही बुनाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ते हुए हमारे जाली बन चुके हैं, धागा आगे करेंगे और इस तरह से दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। और यहाँ पर फिर हमारे यहाँ पर इस तरह से हम लपेट कर एक जाली बनाएंगे और फिर हमारे चार फंदे उल्टे हैं, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे। चार फंदे हमारे सीधे हैं, इसे हम सीधा बुनाई करेंगे। जैसे हम फिर रॉन्ग साइड आते हैं, रॉन्ग साइड में जो जैसा दिख रहा है उसी तरह बनाना है, सिर्फ बीच वाले 19 फंदे को हम उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम रो नंबर 7 में हैं। रो नंबर 7 में देखिए ये चार फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, इसे हम चार फंदा सीधा बुनाई करते आ रहे हैं। धागा आगे कीजिए और फिर 2, 3, 4 और ये 5 फंदे, जहाँ तक जाली आते हैं वहाँ तक हमें उल्टा बुनाई करनी है। इस तरह देखिए हमारे दो फंदे उल्टे थे, 2 से 3, 4 ये 5 फंदे तक आ गए। इस तरह से हमारे ये छठे फंदे भी हमारे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम जब यहाँ पर जाली बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 6 फंदे हो गए, जाली हमारे 1, 2, 3 ये चौथे जाली हैं। धागा आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ये दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पर दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। धागा फिर देखिए इस तरह से हम जाली बनाना है, इसलिए हम इस तरह से एक बार लपेट लेंगे और फिर इधर उल्टा बुनाई कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 देखिए इधर भी हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं और ये चार फंदे हमारे एक्स्ट्रा वाले हैं, इसे हम
सीधा बुनाई कर लेंगे। रो नंबर 8 में है, देखिए रो नंबर 8 में भी उसी तरह करना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बुनाई करना है और बीच वाले 19 फंदे को उल्टा बुनाई करना है। नंबर 8 में आ चुके हैं, इस तरह से देखिए 8 पूरा हो चुका है, 9 में है, ये देखिए ये 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। इस रो को आपको ध्यान से देखना है, ये फिर हमारे बीच में 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टा हुआ, धागा आगे ही रहने देना है, 6 फंदे हमारे उल्टे होंगे, धागा आगे ही रहने देना है। फिर देखिए सीधे वाले फंदे को हम इस तरह से जाली बनाते हुए बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमारे उल्टे बुनाई होते थे, इन 2 फंदों को हम एक साथ बुनाई कर देंगे, इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा बना लेना है, धागा पीछे करेंगे फिर सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे वाले जो 2 फंदे हैं हमारे बीच में हैं, 2 फंदे का एक फंदा बनाना है, धागा पीछे फिर सीधा, एक फंदा हमारा जो सीधा है उसे हम सीधा ही बुनाई करेंगे, 2 फंदा हमारा जो उल्टा है उसे 2 फंदा का एक फंदा बनाएंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे और ये 2 फंदों का एक फंदा, जितने भी उल्टे फंदे हैं उसे 2 फंदे हैं उसे एक फंदा बना लेना है, धागा आगे, ये फिर देखिए 2 फंदों का एक फंदा, धागा पीछे ये सीधा, धागा आगे, ये 2 फंदों का एक फंदा, धागा पीछे और ये हमारे एक सीधे वाले फंदे हैं, इसे हम सीधा बुनाई करेंगे और जैसे हम जाली बनाते आ रहे हैं उसी तरह से हम जाली बनाएंगे, बाकी फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे, ये 4 फंदे हमारे सीधे बुनाई होते हैं, इसे हम सीधा बुनाई करेंगे, रो नंबर 10 में है, रो नंबर 10 देखिए इस तरह से हम 4 फंदे हमारे उल्टे बुनाई होते हैं इसे उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे, यहाँ पर जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उसे हम सीधा ही बुनाई करेंगे, ये जाली तक हमारे सीधे आते हैं बुनाई करते हुए, धागा आगे करेंगे, ये बीच वाले फंदे हमारे जैसे उल्टा बुनाई करते आ रहे हैं उसे हम उल्टा ही बुनाई करेंगे, ये हमारे फिर यहाँ पर सीधे आते हैं, ऐसे हम सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, ये 4 फंदे हमारे उल्टे होते हैं इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे, अब है रो नंबर 11 में, स्टार्ट के 4 फंदे हमारे सीधे बुनाई होते हैं, धागा आगे करेंगे और ये उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनाई करते जाएंगे,
देखिए यहाँ पर ये बीच में हमारे एक फंदे उल्टे बच गए हैं, ये सीधे वाले आगे ही रहने देना है धागा को। ये सीधे वाले फंदे को देखिए इस तरह से पलट लेना है और फिर दोनों फंदों को, ये सीधे वाले और ये उल्टे वाले एक फंदे, दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए हमें बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर एक जाली भी बन रहा है हमारा साइड से, ये दो फंदों का एक फंदा भी हो रहा है यहाँ पर। फिर ये सीधे वाले फंदे हैं, अब यहाँ पर हमारी जाली नहीं बनेंगे, सिर्फ हमारी जाली जहाँ पर बनते आ रहे हैं उसी के ठीक सामने हमारी जाली बने हैं, आगे और जाली नहीं बनाना है। फिर ये सीधे वाले फंदे को पलट कर इस तरह से रख लेना है और ये दो फंदे हमारे, एक सीधे वाले और पीछे से ये उल्टे वाले फंदे हैं, ये दो फंदों का एक फंदा हमें पीछे से सिलाई डालते हुए इस तरह हमें बना लेना है। देखिए इस तरह से, फिर ये सीधे फंदे को पलट लेना है, दो फंदों का एक फंदा, फिर ये सीधे वाले फंदे को पलटना है और दो फंदों का एक फंदा बनाना है। फिर सीधे वाले फंदे को पलटना है और दो फंदों का एक फंदा बनाना है। फिर सीधे वाले फंदे को इस तरह से पलट लेना है और दो फंदों का एक फंदा, फिर सीधे वाले फंदे को ऐसे पलट लें और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंदे हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एक फंदे ही हम बनाएंगे, ये सीधे वाले फंदे को इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये लास्ट के हमारे चार फंदे सीधे हैं, इसे हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए रो नंबर 12 में है, हम इस तरह से ये चार फंदे हमारे उल्टे हैं, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे। धागा पीछे, जो सीधे फंदे दिख रहे हैं उसे हम सीधा बुनाई करेंगे जाली तक। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हमारे सात फंदे अब सीधे जो वाले बचे हैं उसे हम उल्टा बुनाई करेंगे। अब फिर यहाँ पर हमारे जाली आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अब हम सीधा बुनाई करेंगे। रॉन्ग साइड में है इसलिए हम इधर से हमें सीधा दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सीधा दिख रहा है, इसलिए हम सीधा ही बुनाई करेंगे। ये लास्ट के हमारे चार फंदे हैं, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये हमारे देखिए 12 रो बुनाई होने के बाद हमारे डॉल के ये पार्ट जो हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। 12 ये और ये 4 रो इसमें मैंने बुनाई की थी, टोटल जो है यहाँ पर 16 रो की बुनाई हम कर चुके हैं और ये इतना ये एरिया बनकर तैयार हो चुका है। आगे हम अब ये बनाएंगे। इसे बनाने के लिए